इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करना 100 डेज ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। इस वीडियो में मेरे 3 गोल्स होंगे और वो है फर्स्ट एंडर ड्रैगन को डिफीट करना और सेकंड एंड सिटी से इलेट्रा लेके आना और थर्ड विदर को डिफीट करना। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट वॉज डे 1। मैंने देखा यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और मैं तुरंत वुड कलेक्ट करने भाग गया। वेल, यहाँ पे एक ही ट्री था तो मुझे और मुश्किल होने वाली है। एंड देन मैंने कुछ वुडन वेपन्स क्राफ्ट किए और मैं थोड़ी डर्ट कलेक्ट कर रहा था क्योंकि वुड तो था नहीं। अब मुझे एक डर्ट से ही घर बनाना पड़ेगा। और मुझे 2 सैपलिंग्स पड़ी मिली, उन्हें वापस ज़मीन में लगा दिया और मैं अपने घर बनाने का काम चालू किया। फिर मैंने नीचे माइन करना स्टार्ट कर दिया। अब टाइम था थोड़ा स्टोन कलेक्ट करने का। मुझे ढेर सारा कोल भी मिल गया। उसके बाद मैंने और ज़्यादा स्टोन्स माइन किए एंड घर वापस आके स्टोन्स के वेपन्स क्राफ्ट किए और शुगर गेन्स की खेती भी चालू कर दी। आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। मेरे पास खाना नहीं था तो मैंने थोड़ी मछलियाँ मारी और ये प्यारा सा सनसेट देख के मेरा डे 1 ख़त्म हो गया एंड आई वॉज रेडी फॉर डे 2। मैं डायमंड लेवल तक ये स्टेयरकेस लेके जा रहा था एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली बात है, ऊपर रह के कुछ था नहीं, सो मैं नीचे माइन कर रहा था। आई फाउंड माई फर्स्ट आयरन स्वेल। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। नीचे जाते जाते मुझे और भी आयरन्स मिले और मेरे आयरन वेपन्स का जुगाड़ ईजिली हो गया। कोल भी उठा लिया क्योंकि मेरे पास का कोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। एंड देन मैं ऊपर आ गया, मेरे पास का वुड भी ख़त्म हो गया एंड देन आई सॉ की ट्री ऑलमोस्ट ग्रो हो गया एंड आई कलेक्ट सम वुड्स एंड आई वॉज स्टूड अप विथ अ फुल आयरन आर्मर एंड आई वॉज हैप्पी। मुझे मेरे आगे स्पाइडर दिखी, मैं उसे मारने के लिए चला गया क्योंकि मुझे स्ट्रिंग्स होना था। आगे क्रीपर भैया भी थे बट लकीली मैं बच गया। और घर के पीछे साइड में कोबलस्टोन वॉल लगाया। अब टाइम था जानवर लाने का। मैंने 2 गायों को पकड़ के ले आया और मेरे पास एक पिक भी था एंड देन मैंने उन दोनों को ब्रीड कर दिया और मेरे तीनों जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे। डे 7 पे मैं नीचे डायमंड लेवल्स पे जा रहा था ताकि मैं और रिसोर्सेस माइन कर सकूँ। मे बी मुझे डायमंड्स भी मिल जाए, हुक नोस। वेल, बहुत नीचे तक मैंने ये माइन किया था। नीचे आते ही मुझे एक केव भी मिली, मैं उसे ही एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने मेरे फर्स्ट गोल्ड्स कलेक्ट किए, मैं उनसे गोल्डन एप्पल बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक एप्पल था। और यहाँ बहुत सारे मॉब्स भी थे, तभी क्रीपर भैया कहीं से टपक गए। आई ट्राइड टू हिट हिम बट कोई ना, मैं बच गया। फिर उसके बाद एक बीच ने मेरे ऊपर पॉइजन फेंक के मारा, मैं भाग गया। मेरे पास ज़्यादा खाना नहीं था ताकि जिससे मैं हेल्थ अपनी रिकवर कर पाऊँ। लास्ट टाइम मैं एक क्रीपर से मर गया था। मैं खुशी से माइन ही कर रहा था कि अचानक से एक क्रीपर आ गया। मैं ऊपर आ गया और रात भी हो चुकी थी। लकीली बाहर कोई मॉब्स नहीं था। अब मुझे डे होने का वेट करना होगा। सुबह होते ही मैं मछलियां मारने आ गया क्योंकि मेरे पास खाना कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं अपने नए घर के जुगाड़ पे लग गया। आज मुझे एक नया घर बिल्ड करना था और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मेरे घर के सामने कुछ स्केलेटन स्पॉन हुए थे तो मैंने उन्हें मारना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 या 4 स्केलेटन स्पॉन हुए होंगे और मुझे एरोस की बहुत ज़रूरत थी। देन मैंने स्लैब से पूरा एक मैदान बना लिया जिसपे मैं अपना एक नया घर बिल्ड करूँगा। और मैंने ढेर सारा वुड भी कलेक्ट किया, मुझे एक नया जो घर बनाना था।
आज डे 26 है और डे 50 पे एंडर ड्रैगन के साथ मुझे फाइट लेनी थी, सो मैं आ गया डायमंड्स ढूंढने और मुझे मिल भी गए। मुझे और डायमंड्स मिले, मेरे पास डायमंड वेपन्स का जुगाड़ तो हो गया बट आर्मर के लिए मुझे और डायमंड्स होने थे। दिन रात माइन करके मुझे ढेर सारे डायमंड्स मिले। इस बार एंडर ड्रैगन का बचना मुश्किल था, सो मैंने इन सारे डायमंड्स को फटाफट कलेक्ट किया। मैं घर वापस आ गया। पूरे एक हफ्ते तक माइन करके मेरे पास पूरे टोटल 45 डायमंड्स हो चुके थे एंड आई वॉज टूड अप विथ फुल डायमंड आर्मर ऑन डे 32। बट इस डायमंड आर्मर के पहनने के काबिल नहीं हूँ, सो मैंने इन्हें वापस आर्मर स्टैंड पे रख दिए। अब टाइम था थोड़ा नेदर एक्सप्लोर करने का और मुझे नेदर में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि किसी को भी नहीं पसंद। और मैं ऑब्सीडियन माइन करने आ गया नीचे एंड आई वॉज होपिंग कि कोई क्रीपर ना आ जाए मेरे पीछे से। एंड देन मैं अपना सस्ता सा नेदर पोर्टल बिल्ड करने के लिए लग गया। और नेदर पोर्टल को मैंने एक्टिवेट भी कर दिया एंड उसके अंदर से कुछ डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी, बट कोई ना, हम उसे इग्नोर करेंगे। एंड नेदर पोर्टल को थोड़ा डेकोरेट भी कर दिया, उतना खास भी नहीं लग रहा था बट कोई ना। डे 34 टू 39 मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए नेदर में आ गया। मेरी लेवल बहुत ज़्यादा कम थी और मुझे ऑलमोस्ट लेवल 30 करनी थी ताकि मैं अपने डायमंड आर्मर एन्चांट कर सकूँ। और मैंने गोल्ड भी उठा लिया पिगलिंस के साथ ट्रेड करने के लिए। आई होप कि अच्छी ट्रेडिंग मिले मुझे। वेल, मुझे ये सब डे 50 के पहले करना था, सो मैं पूरे दिन रात एक्सपी कलेक्ट करने के लिए लग गया और मैंने 5 दिनों में ऑलमोस्ट ढेर सारी एक्सपी कलेक्ट की। और नेदर से वापस आके मेरी लेवल 32 हो चुकी थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। मैं फिर से नेदर में आ गया एंड आई कैच 3 पिगलिंस और उनसे मैंने ट्रेडिंग की एंड आई गॉट 21 एंडर पिल्स एंड फायर पोशन भी मिल गया एंड देन उनको मैंने मार दिया। फोर्ट्रेस में आने के बाद मुझे नेदर वॉट दिखी तो मैंने सारी की सारी नेदर वॉट उठा ली, मुझे पोशन बनाने में काम आएगी। मेरे पास की फायर रेजिस्टेंस पी के मैं सारे ब्लेजेस को पेलने लगा। वेल, इनको मारना ऑलमोस्ट इजी हो जाता है पोशन पीकर। और मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चला गया। घर वापस आके पिगलिंस ने मुझे काफ़ी अच्छे आइटम्स दिए और मैंने ऑलमोस्ट 16 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट किए। आज डे 44 है और मुझे एन्चेंटिंग टेबल के लिए प्रिपरेशन करना है, सो मैंने शुगर केन्स कलेक्ट किया ताकि मैं बुक्स क्राफ्ट कर सकूं। और मैंने मेरी गायों को भी मारा क्योंकि मुझे लेदर भी होना था। एंड मैंने प्रॉपरली 15 बुक शेल्फ्स अच्छे से प्लेस किए ताकि मुझे लेवल 30 की एन्चेंटमेंट मिल सके। आई मेक एन्चेंटिंग टेबल ऑल्सो, अब इसे बस प्लेस करने की बारी थी। एंड आई वॉज नॉट रेडी एट क्योंकि मुझे स्लो फॉलिंग पोशन होना था तो और थोड़ा सा काम बाकी था। मैंने रात को कुछ फैंटम्स हंट किया जिससे वो मेमरन ड्रॉप करे एंड मैं उससे स्लो फॉलिंग पोशन बनाऊँ। कुछ कुछ में मुझे अच्छी एन्चेंट मिली और कुछ में बेकार, बट कोई ना, काम चला लेंगे। एंड ऑन डे 45 आई वॉज विथ माई फुल एन्चेंट डायमंड आर्मर एंड आई वॉज रेडी फॉर एंडर ड्रैगन फाइट। मैंने मेरी एंडर आई ऊपर फेंकी एंड मैं उसी डायरेक्शन की ओर चल पड़ा। ऑल्सो इट टेक्स मल्टीपल डेज टू फाइंड स्ट्रॉन्ग होल्ड क्योंकि आई आपको अलग अलग डायरेक्शंस बताती रहती है जिससे और दिमाग खराब हो जाता है। एंड मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। और थोड़ी देर भटकने के बाद मुझे एंड पोर्टल भी मिल गया। और सबसे पहले तो मैंने इस स्पॉनर को तोड़ा ताकि मुझे ये परेशान ना करे। मैंने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया और एंड पोर्टल में जंप कर दिया। एंड हियर इट वॉज द बिगेस्ट एंड पावरफुल मॉब इन माइनक्राफ्ट, द एंडर ड्रैगन। वेल, एक एक करके मैंने सारी एंड क्रिस्टल्स फोड़ दिया मेरी बो से
और एंडर ड्रैगन के साथ फाइट लेते लेते दो एंडरमैन मेरे पीछे लग गए एंड मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया। मुझे तो लगा मैं गया बट नहीं, मैं बच गया। मैंने एंडर ड्रैगन को हरा दिया बट आई एम सॉरी फॉर द क्लिप, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते वक्त वो अटक गई जिस वक्त मेरी एंडर ड्रैगन के साथ फाइट हुई थी। एंड आई कलेक्ट माय सम रिवॉर्ड्स। डे 50 पे मैं घर आ गया एंडर ड्रैगन को हरा के, और साथ में ये ड्रैगन एक भी ला लिया। और ये था इस वीडियो का फर्स्ट एपिसोड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एडवेंचर में। तब तक के लिए बाय बाय।